दोस्तों इस वीडियो में हम हमारे प्यारे भारत के लिए ओमान के दुकम पोर्ट की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। तो 2018 में इंडिया को पीएम मोदी की विजिट के बाद दुकम पोर्ट का मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए एक्सेस मिल गया। ये स्टेप इंडिया की मैरिटाइम स्ट्रेटजी का पार्ट है, जिसके अंदर वो इंडियन ओशन में चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर कर रहा है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ओमान के सदर्न कोस्ट या कहें इंडियन ओशन के नॉर्थ वेस्टर्न एज पर लोकेटेड है। चाबहार पोर्ट से इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी और सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड और मॉरिशियस में अगेलेगा आइलैंड के डेवलप होने के बाद दुकम पोर्ट इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी रोडमैप में परफेक्टली फिट होता है। अगर चाइना के लिहाज से देखें तो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी का एक इंपॉर्टेंट पर्ल हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड जिबूटी है, जहां पे चाइना ने $590 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ अपना पहला फॉरेन मिलिट्री बेस सेटअप किया। वहीं दूसरा इंपॉर्टेंट पर्ल है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, और चाइना के वेस्टर्न इंडियन ओशन में इसी लॉकिंग मैकेनिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया ने नेकलेस ऑफ डायमंड और डबल फिश हुक स्ट्रेटजी को लॉन्च किया।